हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज है नया दिन, नई शुरुआत। तो जैसे कि आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था, हम ताबो में हैं। तो हम ताबो मॉनेस्ट्री देखने आए हैं। अभी टाइम हुआ है सुबह के 10 बजने वाले हैं, हम थोड़ा लेट हैं। जो पुराना मॉनेस्ट्री है, हाँ, वो पुराना मॉनेस्ट्री दिखाएंगे अभी आपको। ये रही शीतल और रेडी, और पुराना मॉनेस्ट्री दिखाएंगे। पुराना ही तो देखना है, नया तो है यहाँ पे। नया इज ऑल्सो गुड, बट पुराना जो है उसका एक वो कल्चर है, ठीक है, यहाँ का वो अलग फील है। अलग फील है, तो वो अभी आपको दिखाएंगे। इसके बाद फिर हम जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट, हम जाएंगे ग्यू मॉनेस्ट्री, ठीक है। तो अभी यहाँ के दिखाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। देन लेट्स सी। तो हम पहुँच चुके हैं ताबो मॉनेस्ट्री, ताबो गोम्पा। अगर इसकी बात करूँ, ये बहुत ही पुरानी गोम्पा है, 996 AD। ये दिख रहा है आपको हिस्ट्री ऑफ ताबो मॉनेस्ट्री। आप ऐसे करके ना पॉज करके पढ़ लेना, पूरा पढ़ पाओगे आप। तो 996 AD एज एन एनो डोमिनी तब का बना हुआ है ये, एंड टोटली मड से बना हुआ है। सो दिस इज द बिगिनिंग। कम चलो अंदर, ताबो छोर। ये देखो, ये पुराना है पूरा। इवन द डोर इज ऑल्सो वेरी ओल्ड। ये देखो, यहाँ से आपको दिखाती हूँ ऐसे घुमा के, ये पूरा मड का बना, एंटायरली मेड ऑफ मड एंड वुड। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्रीज एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है ये गोम्पा। चलते हैं अंदर। तो हम गोम्पा के अंदर से बाहर तो आ गए, बहुत ही पीसफुल और काम है। अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, तो मैं जितनी इन्फॉर्मेशन है यहाँ के बारे में ज़रूर बताऊँगी। तो इस गोम्पा में सर्विस करते हैं ये भैया जी, ये आपको सब कुछ यहाँ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आपको जुले जुले जी, तो आप यहाँ गोम्पा के बारे में कुछ हिस्ट्री बताइए हमें, क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं था जी जी। तो मैंने सोचा आपसे थोड़ा नॉलेज ले लेती हूँ। तो मुझे इतना नॉलेज तो है नहीं, ट्रिपली बताना तो बहुत मुश्किल है नहीं। जो मेरे नॉलेज में थोड़ा बहुत ध्यान है, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये मॉनेस्ट्री जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी। तो मैं ये MTS के पद पर जो है इस मॉनेस्ट्री में जॉब करता हूँ। मुझे तकरीबन यहाँ पे जो है 30 ईयर हो गए। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये मॉनेस्ट्री जो है बहुत ही अब सारी पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है, जो हमारे जो ताबो मॉनेस्ट्री है। नहीं तो ये मॉनेस्ट्री सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल 9 टेम्पल्स बने हुए हैं। नाइन टेम्पल बने हुए हैं। हाँ जी। तो इसको बनाने वाले आपके जो वेस्टर्न तिब्बत के राजा थे, वेस्टर्न तिब्बत के राजा जिनका नाम था लाह लामा ईशे। जी जी। जो तिब्बत में आपने सुना होगा, आप जानते हैं पुरंगुके जो है ना, ये पुरंगुके किंगडम जो नहीं, पुरंगुके किंगडम के अंडर में था ताबो मॉनेस्ट्री। अच्छा। तो ये पहले तिब्बत का एक पार्ट था, अपर तिब्बत बेल्ट है नहीं। अच्छा। तो अपर तिब्बत पार्ट में ही ये गोम्पा, ये ताबो आता था। जी जी जी। हाँ जी। तो उस टाइम जो ऑनर थे वेस्टर्न तिब्बत के राजा ने, तो अपर तिब्बत के बेल्ट में जगह चूज की। तो ये कहते हैं कि उस जमाने में एक यूनिवर्सिटी था, ये जो ताबो था एक यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन सेंटर था जी। तो ये मॉनेस्ट्री जो है 10th century से 17th तक बिल्ट हुआ था, 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी। हाँ जी हाँ जी। इस मॉनेस्ट्री को बन के लगभग 1027 साल। और यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, मगर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो जितनी मेमोरीज हम ले सकते हैं घूमते हुए अंदर, वही ग्रास्प कर सकते हैं। जी जी जी। है ना, अंदर इसलिए अलाउड नहीं है कि एक तो गवर्नमेंट के अंडर है, दूसरा गवर्नमेंट ने जो है इसमें फोटोग्राफी पाबंदी लगा दिया, क्योंकि फोटोग्राफी करने से आपको जो कैमरे की जो फ्लैश लाइट जो दीवारों में जो जाती है, तो उस लाइट के रिफ्लेक्शन से जो है हमारे जो पेंडिंग है वो खराब हो रहे हैं, वो वॉश हो रहे हैं, वो वॉश अप हो रहे हैं। तो आगे अगर 1000 ईयर बचाने के लिए जो है गवर्नमेंट ने ये वाइट किया है कि फोटोग्राफी टोटली जो है इसके लिए जो बंद कर दिया। नहीं, तो खासियत ये है कि ये जो है मॉनेस्ट्री यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। आपने मॉनेस्ट्री के अंदर जाके देखा होगा, जो ये जो मेन एंट्रेंस टेम्पल है, द टेम्पल ऑफ इनलाइडन गॉड्स, जो ये जो मेन मेन टेम्पल जो 10th century में बनी है, इसके अंदर तीन टेम्पल्स है। तीन टेम्पल्स जी।
फर्स्ट इंट्रांस वाला उसको जालमा लखन कहते हैं, जालमा लखन जो 13 सेंचुरी का है, 13th century. और उसके बाद प्रोटेक्टेड रूम 11th सेंचुरी का है, जो अंदर जो बिग हॉल है जो असेंबली हॉल है वो है 10th सेंचुरी का, 10th century. जहाँ पे आपने मूर्तियाँ देखो बहुत सारी मूर्तियाँ जो बीच में जो है सर्व विद्या वैरोचना बुद्धा कहते हैं, जो इस मॉनेस्ट्री की चीफ है, जो बीच सेंटर में है, जो एक मूर्ति के 4 डायरेक्शंस है, लुकिंग फॉर 4 डायरेक्शंस है, लुकिंग फॉर 4 डायरेक्शंस. हाँ जी, फिर बाकी जो दीवारों में जो मूर्तियां हैं वो भगवान बुद्ध के जो फॉलोअर्स हैं, और ये एक ह्यूमन जो है, ह्यूमन से जिन्होंने जो है मोक्ष को प्राप्त किए हैं, सारे 32 जो है इनलाइटन गॉड है, जो जिनको कहते हैं बोधिसत्वा, बोधिसत्वा जी जी, एनलाइटन गॉड, एनलाइटन गॉड्स. तो बाकी सारे पेंडिंग नेचुरल स्टोन, उस जमाने में स्टोन को कूट के स्टोन को पाउडर बना के कुछ वेजिटेबल मिक्स करके उस जमाने में कहते हैं बनाया, और सारे जो दीवारों में म्यूरल्स हैं वेजिटेबल, इनको ही यूज किया जाता था, नेचुरल कलर, नेचुरल कलर, जो जड़ी बूटियों को उस जमाने में बना के स्टोन जो है ना, हाँ जी, स्टोन का पाउडर बना के, स्टोन का पाउडर, फिर वेजिटेबल मिक्स करके उस कहते हैं कि उस जमाने में इस तरह से ओरिजिनल कलर बनाते थे. ये ले गए थे हमें अंदर और इतना अच्छा पेंटिंग है, उसमें से कुछ थोड़ा वॉश आउट हो गया है जी जी, मगर जो बाकी है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, इतना सुंदर कलर है कि मतलब आप देखते रह जाओगे, ऐसा मुझे फील हो. और ब्रश के तो बारे में तो आप बताना भूल गए, कैसे ब्रश यूज होती थी. तो उस जमाने में तो आप देखो जी, 1000 साल पहले की बात है, वो सारी नॉलेज तो उस टाइम तो उस जमाने कुछ और था. हाँ हाँ. तो उसके बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना बहुत मुश्किल है, जो सामान थे. हाँ. तो हैरान की बात तो ये है कि उस जमाने में ना रास्ता था, ना कोई सामान थे, ना कोई टेक्निकल जो है ऐसे कोई चीज़ था नहीं. तो उस जमाने में जो जो ऑनर राजा थे, जो आर्टिस्ट थे, किस तरह बनाए होंगे ये बताना बहुत मुश्किल है. बहुत ही जो है चमत्कारी हुआ है, बहुत हैरान की बात है. तो आपने देखा कितना ब्रेवली काम हुआ, एक एक चीज मिट्टी की बनाई है और लकड़ी है ना. जी जी, ये सारे जितने भी कल्चर सारे ऑल ओवर मट के हैं. हाँ हाँ. मिट्टी और भूट के हैं. अच्छा. और जो ये हमारी मिट्टी बहुत ही एकदम से हार्ड है, इसको हम कहते हैं चिकनी मिट्टी, है नी, चिकनी मिट्टी, जो पानी में भी जो है असर नहीं होती बहुत, सिर्फ जो है ज़्यादा बारिश, खैर बारिश तो यहाँ पे ना मात्र होती है. तो इसको पूरा गवर्नमेंट जो है देखती है, प्रिजर्व करती है. बारिश ऊपर जो इसका रूप है, बहुत गजब का टेक्निकल यूज है इसमें, पॉलीथीन बिछाया, उसके ऊपर मिट्टी की लिफाई हुई, उसके ऊपर फिर मिट्टी, लगभग इसके जो रूप के जो लेयर है मिट्टी का लगभग तकरीबन 1 फीट है. और विंटर में जो स्नो होती है तो स्नो का तो कोई इशू नहीं है, बर्फ तो नहीं जाते, खैर थोड़ा सा रिस्क बारिश का है. बारिश अगर ज़्यादा होने से, क्योंकि एक दो बूंदें जो इसके जो नेचुरल स्काई लाइट्स है नहीं, जो बीच बीच में जो नेचुरल स्काई लाइट बनो वहाँ से थोड़ा बहुत पानी की बूंदें टपकती है. बाकी अदर जितने भी रूप है सारा कवर्ड है, जिसमें डिपार्टमेंट ने जो है एक पोली शीट कहते हैं, ब्लैक कलर के शीट होते हैं, काफ़ी मोटी होते हैं, वो पूरे हर टेम्पल के रूम में बिछा हुआ है. तो बहुत ही अच्छा रूम मेंटेन है, गवर्नमेंट की वजह से ये बची हुई है, नहीं तो मॉनेस्ट्री का डिस्ट्रॉय हो चुका होता सच्ची में. आप देखो 1027 से जो है अभी ये मॉनेस्ट्री बहुत ही मेंटेन है, ऐसे के डिपार्टमेंट की वजह से. यहाँ पे मैंने जो बताया था टोटल 9 चैपल्स है ना, 9 चैपल्स बने, ये इसको हम दुखंग कहते हैं, दुखंग, और गोल्डन टेम्पल उधर भी है जी, फिर पीछे मिस्टिक मंडाला, फिर उसके पीछे जो व्हाइट टेम्पल कहते हैं सबसे लास्ट में है. अच्छा. फिर इस साइड जो है आपका मैत्री फ्यूचर बुद्ध का है, इस साइड 2 टेम्पल है. अच्छा. तो टोटल यहाँ पे 9 टेम्पल है, टोटल 9 टेम्पल जी जी. तो मैं आगे जाकर देख कर आती हूँ, ऑब्वियसली वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मेमोरीज को थोड़ा ले लेती हूँ जी जी जी. बाकी थोड़ा बहुत छोटा हो बस, मेन जो मेरे जो नॉलेज में था बस इतने में शेयर करना चाहूँगा. हाँ जी. फिर थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो फिर अच्छी बात, फिर यूट्यूब में जाएंगे नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो फिर. अरे नहीं, अच्छा नहीं, हर गलती माफ, हर गलती माफ. आपने इतना कुछ शेयर कर दिया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे कई हमारे फैमिली पेरेंट्स बुद्धिस्ट लोग ही हैं हमारे अपने, जो आ नहीं पाते हैं, और दूसरे लोग जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको जैसे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं जी है, जी जी. कोई आ नहीं पाते रोड कंडीशंस कई, तो हेल्थ कंडीशंस आ नहीं पाते, तो नहीं यहाँ का ऐसे वीडियो में ही दिख जाए, आप बता रहे हो इतना कुछ, तो बहुत बड़ी बात है. वंस अगेन आपको सो मच धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपको, आपने हमें इतना कुछ इन्फॉर्मेशन बताया, वरना हमें कहाँ से पता चलता. आपको धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम.
तो गाइस वी आर फाइनली ऑन आवर वे टू ग्यू मिनिस्ट्री। हम ताबो से निकल चुके हैं, ताबो से निकल के बहुत गर्मी है, सही में बहुत गर्मी है। दादी ही सेइंग दादी हाउस जाएंगे हम इन वन वीक। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से निकल गए हैं, तो रास्ते में कुछ अगर सीनरी वगैरह आएगी तो आपको दिखाएंगे, वरना हम डायरेक्ट निकलेंगे ग्यू। तो रास्ते में ना एक बोर्ड दिखा हमें, ये चंडीगढ़ सेक्टर 13, यहाँ ये गांव, ये विलेज है, इसका नाम है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में यहाँ लिखा सेक्टर 13, और अब जो लोग चंडीगढ़ रहते हैं, और बहुत लोगों को पता भी होगा कि चंडीगढ़ में सेक्टर 13 है ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चंडीगढ़ सेक्टर 13 है, जो चंडीगढ़ में नहीं है, यहाँ पे है चंडीगढ़ विलेज में, यहाँ किसी ने लिख रखा है ये सेक्टर 13 लिख दिया, और विच इज़ वेरी लाइक थोड़ा फनी भी लग रहा है। ठीक है कि बात चंडीगढ़ में तो नहीं है, यहाँ किसी ने बना रखा है सेक्टर 13। ठीक है, ये देखो यहाँ बोर्ड भी दिखाता हूँ मैं आपको, जो गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड भी लगा हुआ है एक और, जिसमें विलेज चंडीगढ़ विलेज, ठीक है, लिखा हुआ है, और ये चंडीगढ़ विलेज और वहाँ पे सेक्टर 13 है। ठीक है, तो ये दिखाना था, थोड़ा भी फनी सा लग रहा था, मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर करते हैं। गाइज ये रास्ता है जो सीधा ये गेट बना हुआ है, यहाँ इधर अंदर जाएंगे तो इधर जाएंगे हम ग्यू की तरफ, और वापस हमें इधर जाना है। ठीक है, तो ये जाता स्पेशल रास्ता ग्यू की तरफ, तो हम ग्यू मिनिस्ट्री की तरफ एंटर हो गए हैं। हम पहुंचे हैं ग्यू मॉनेस्ट्री देखने के लिए, ग्यू मम्मी के यहाँ पे। बट द फनी थिंग इज यहाँ जो टाइम है ना, फोन पे दिख रहा है 3:07 22 जून, ये चाइना टाइम दिखा रहा है, जबकि असली टाइम इंडिया का जो हमारा असली टाइम है वो है 12:00, ये देखो 12:37, ये हमारा इंडियन टाइम। और यहाँ देखो चाइना का टाइम मैंने जैसे बताया, उसका रीजन ये है गाइस कि यहाँ से ना चाइना का बॉर्डर बहुत पास है, यहाँ से ये लगा लो, या अभी ये देखो मैं आपको वैसे व्यू दिखा देता हूँ साथ में। ठीक है, ये व्यू जो है चाइना का बॉर्डर बहुत पास है, यहाँ से 50-60 किलोमीटर है तो बॉर्डर यहाँ से, तो इंटरनेशनल जैसे रोमिंग के हिसाब से, मतलब मेरे फ़ोन पे जो नेटवर्क आ रहा है वो शायद इंटरनेशनल के हिसाब से उसने ये टाइम पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ से बहुत पास है तो रेंज थोड़ा बहुत आ रहा होगा, मतलब नेटवर्क तो नहीं आ रहा, बट हाँ टाइम उसने वहाँ से पिक कर लिया। तो ये तो बंद है बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन के अंडर है, तो इस पर टाइम लगेगा। तो हम ये जो ग्यू मम्मी है ना, एक्चुअल में संगन तेंजिन मम्मी वासा बसिस मोंग, यही देखने आए हैं हम। और ये एक्चुअली में ये मम्मी कैसे मिला था, क्योंकि 1975 में अर्थक्वेक आई थी, आप यहाँ पढ़ सकते हो, फिर भी मैं बता देती हूँ, देयर वर 6 स्टूपर्स डिस्ट्रॉयड इन दैट अर्थक्वेक, तब जाके ये मम्मी मिली थी। अब आप यहाँ देख सकते हो, इंग्लिश में आपने देखना है तो हिंदी में यहाँ पे है, अब आपको अंदर जाके दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं, ये मम्मी है जो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। डैडी जय कर दो बेटा, इधर आओ, पापा जी के साथ आओ, जय करो, बोलो जय, जय, इधर पापा को देखो, लुक एट पापा, लाइक दिस, जय, बस जय कर दो, जय, अच्छा ऐसे करो, बैठो एंड नाउ लाइक डू इट, करो डू इट लाइक पापा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये है, देखो इनके दांत, देखो यहाँ पे सारा प्रिजर्व्ड है, अगर आप देखोगे तो इनके नाखून भी दिखेंगे। अब दरवाजा बंद करो, राइट रिफ्लेक्शन आ रही है, तो आप ये देखोगे इनके नाखून तक दिखेंगे आपको, दांत भी पूरे प्रिजर्व्ड है, सब कुछ बोन्स सब प्रिजर्व्ड है। तो इन्हें ऐसे शेल के, मतलब कांच के इस बॉक्स में ऐसे रखा गया है ताकि खराब ना हो। नाउ जैसे आपको बताया, जब अर्थक्वेक हुआ था उस टाइम ये मिला था, ये मम्मी का जो ये एडी बेटा ध्यान से, तब से इसे याद रखे, पहले जो 5-7 साल पहले आते थे तब ये कांच नहीं होती थी, तो लोग एक्चुअली में ऐसे टच कर सकते थे, बट देन गवर्नमेंट ने, गांव के लोगों ने डिसाइड किया इसे कवर करेंगे ताकि ज्यादा बेटर प्रिजर्व हो। हेलो,
तो गाइज अब हम ग्यू मोनेस्ट्री से निकल चुके हैं और हमने वहाँ ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं किया, सिर्फ ग्यू मोनेस्ट्री दिखाया क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब हमें किसी ने मना नहीं किया बट थोड़ा वो सेंसिटिव एरिया है, चाइना का बॉर्डर पास में है, ठीक है, और तिब्बत का बॉर्डर भी वहीं पास में है, तो मिलिट्री भी है वहाँ पे, तो इसलिए हमने ये लगा लो कि ये पहला गाँव ही है इधर से तिब्बत वाली साइड से, तो जो हमारा ये ग्यू, तो मतलब हम ज़्यादा इसलिए हमने ज़्यादा नहीं किया कुछ व्लॉग व्लॉग, तो हम नीचे उतर गए हैं और आज का मतलब ये व्लॉग हम यही ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग हम जो है आगे का जो हमारा ट्रिप है आज का वो हम नेक्स्ट व्लॉग में कवर करेंगे, बिकॉज अगर हम इस व्लॉग में कवर करेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा व्लॉग, फिर एडिटिंग प्लस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर वो हम आप लोगों को दिखा भी नहीं पाएंगे सब चीज़ें जो हम दिखाना चाहते हैं। तो ठीक है गाइस, ये देखो आईडी को अपना वो नीचे मुकर हाँ नीचे कैब करके अपना खा रहा था आराम से। तो ठीक है गाइस, ये देखो पानी कितना गंदा है यहाँ पे, ये इधर को पानी कितना गंदा है, ये सारा वो जो स्नो का पॉइंट वो है स्नो बेल्ट होके आ रही है मिट्टी के साथ। तो ठीक है अभी का व्लॉग हम यही एंड कर रहे हैं और सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये व्लॉग काफ़ी स्पेशल रहा हमारे लिए बिकॉज एक तो हमने अच्छी अच्छी जगह भी देखी, मतलब नॉट दैट की जो पहले वाली जगह थी वो अच्छी नहीं थी, प्लस में एक आइसिंग ऑन द केक था कि हमने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग।